या उसमें फसल में लग जाए तो मेरे अंदाज में वो सारे दिन खुजली नहीं जाती उसकी। हमारी फसलें खराब हो गई, हमारे खेत खराब हो गए, हमारे सारी चीजों का नुकसान हो रहा है। हमने इसी तरीके से आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल और यमुना के अंदर जो दिल्ली का हमारे पास गंद आता है उसके लिए हमने उस समय पर, मैं विधायक था और सभी विधायकों ने मिलकर के हमारे दक्षिणी हरियाणा के जितने भी 14 विधायक थे, कांग्रेस बीजेपी एनएलओ सभी साथियों ने प्रोजेक्ट बनाया था और नितिन गडकरी जी ने वो पास किया था कि 9,000 करोड़ रुपए के लगभग का प्रोजेक्ट था। हम इसको भी सारा ये पानी जो दिल्ली का गंद हमें मिलता है हम उसको एक साइड में करके यमुना का शुद्ध जल आपको ला करके देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मथुरा तक शुद्ध पानी भिजवा करके हम रहेंगे। ये दिल्ली का जो गंद आपके काशी या मथुरा और वृंदावन में मिलता है वो भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये अभी हमारा वायदा है, चाहे नहीं कुछ भी करना पड़े। यमुना पे बैराज की बात है, इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की बात है, ये सारी चीजें मैंने इसमें लिख के दी है। आज मैं अपील करना चाहता हूं, देखो अगर मैंने कुछ किया है ईमानदारी से बताना भाई, अंटी लगा के तो कोई बात करना मत ना। मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूं, जब मंदिर में मैं सरकार का पैसा लगवा सकूं हूं, मंदिर में ये जो हॉल बना हुआ है ये भी तो मंदिर में बना है, सरकार के हिस्से से बना। ये तो नहीं है कि एक दिन मेरे साथ गए गांव के काफी लोग, कह लगे जी दान दे दो। मैं बोलो कितना, 10,000, 20,000, 50,000, व्यक्ति पॉकेट से तो इतना ही दे सकता है। मुख्यमंत्री महोदय, हमने ये पंचायती भवन बना करके मंदिर में वही बनवा दिया और उसके आशीर्वाद से 10 दिन में ये काम कंप्लीट भी हो गया। गांव गवाह इस चीज का, कहीं अगर कोई कहे ना गांव गवाह इस चीज का, अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो। मैं तो एक चीज प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या इस गांव में मेरे से ज्यादा किसी ने काम किए? नहीं करे ना, तो हक किसका बनता है? बनता है ना। मेरी बहन जी, अब मैं बता, तुम खारे पानी से निजात मैंने दिला दी, एक ही बात मान लो। मेरी माता बहनों यही समझ लो कि हमारा भैया ने मीठा पानी दे दिया तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए तुम्हें। आज कम से कम आधी बीमारी तो दूर हो गई। आने वाले समय में आप निश्चिंत रहो, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, जो विकास के जो मोहल्ला से लेकर के यहाँ तक का जो बाईपास है, सर्विस रोड है, इसको करवाऊंगा। ये बताइए, ये सर्विस रोड अगर निकल जाती है यहाँ से तो आपको ना सीकरी जाने की जरूरत, ना आपको इधर जाने की जरूरत। एक और परेशानी है, आप लोग शायद इन चीजों को देखते नहीं है, मैंने अरे टूल टैक्स से तो हटवाई रहे और लिखी है 17वें नंबर पर, ये जो हमारे गाँव है भनकपुर, कबूलपुर, लदियापुर, जखोपुर, बीजोपुर, फिरोजपुर, कला, सिकरौना, तहसील उपमंडल बड़कल में लगा रखे, यहाँ से बड़कल का कोई साधन नहीं है, वो ट्रांसफर करवा के वापस बल्लभगढ़ में लगवाएंगे। ये हमारा आपसे पहले का तो कर दिया, आगे का मैंने विचार बता दिए। भाई मेरे से और क्या चाहो ये बताओ, ये गांव वाले मेरे से और कुछ चाहते हो? ये वोट ही तो मांग रहा हूँ, पर यार वोट में मजबूती के साथ मांग रहा हूँ, कोई ये तो है नहीं, कोई वैसे मैंने फ्री में वोट लेकर के जा रहा हूँ, कुछ किया है तो भाई मेरा कम से कम दान दक्षिणा आज तो दे दो और मावस को देना। आप ये ध्यान रखियो, काहे ने झूठ बोला ना तो देख लो ठीक बात ना भाई हमारी। मैं तो परमपिता परमात्मा से हाथ उठा करके मेरे को आशीर्वाद दो देना है तो बिल्कुल हाथ उठा करके, अगर किसी के मन में तेरे दिल में नहीं है तो हाथ उठा के कह, नहीं तो। और देखो जब भैया के साथ में हाथ उठ जाए ना, और मावस बोलता है, इष्ट देव भी ऊपर वाले भी देख रहे हैं कि आज इस बच्चे पे, इस भाई पे, इस बेटा पे, इस गांव बस्ती ने आशीर्वाद दिया है, तो आगे 3 दिन बाद 4 दिन, आज पहली दूसरी होगी ना, 3, 4, 5 तीसरे दिन इलेक्शन है और मेरा बटन है 2 नंबर का मशीन। क्या मैं पहले नंबर छोड़ के 2 नंबर पे? अब बहन जी तुम झूठ तो बोलोगी नहीं, और इन बालकन ने भी, और ये जो हमारे जो घर परिवार वाले हैं उन्होंने भी समझाना पड़ेगा कि भैया ने हमें कुछ किया था तो हमारा भाई तो वो लगता है जिसने हमारे से कुछ किया है। तो भाई हाथ जोड़ के अपील है, भनकपुर गांव अगर मेरे निराश करना चाहे तो कर देना, मैं निराश नहीं करूंगा, ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ।